नमस्ते मौसी जी, मतलब अभी आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा हो जाता है तो ये वो है। गाइस डोंट मेक नॉइज। ब्यूटीफुल स्कैम सुंदर कांड। ये रोड अच्छी कहाँ है? चंडीगढ़ थोड़ी ना है ये। इजी नहीं है महीने का डांस। ऑड है ऑड। श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। ऐदा नहीं चलते प्यार यार, ऐदा नहीं चलते प्यार। लवलीज, वेलकम टू माई चैनल। एंड आज के इस व्लॉग में होगी मेरी गाड़ी की यानी स्कूटी की सर्विस। मैंने सुना है मौसी जी की दुकान में कुछ नया माल आया है। वी विल फाइंड आउट व्हाट्स दैट माल। अभी मौसी जी शायद घर में खाना खा रहे, तो चलो देखते हैं मौसी जी क्या कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेट सो रहा है। मौसी जी कहाँ हैं? खाना खा रहे हैं। मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं? नमस्ते मौसा। तो मौसा जी इज टेकिंग सम रेस्ट। तब तक हम अपनी गाड़ी में जो भी दिक्कत है बता देते हैं मैकेनिक्स को क्या क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक बाइक है, बहुत टाइम से मेरी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम टन टनाटन बन जाए। मौसा जी फिलहाल अभी खाना खा के आराम कर रहे हैं। खाना क्या बेचारे उबला खा रहे हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो तब तक मैंने सोचा मैं खुद ही मैकेनिक को बता दूँ मेरी स्कूटी में क्या क्या दिक्कत है। लेट्स गो, मैकेनिक से बिजी है। ब्रो गाड़ी एक्सेस को देख लो क्या। फुल हेलमेट्स। मेरी बेचारी प्यारी सी रो रही है, धोनी भी है। हाँ अभी आ रहे हैं भैया, देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। अभी दूसरी गाड़ियों में व्यस्त। अभी मैकेनिक भैया थोड़े बिजी हैं तो मैंने सोचा तब तक आप से बात कर लूँ। एक बाइक ये भी खड़ी है यहाँ पे, कलर बड़ा प्यारा है, मिलिट्री ग्रीन। ये मिड टाउन का किचन है यहाँ पे। क्या व्यू आ रहा है ना मेरे चेहरे के सामने मिड टाउन का किचन का, वो भी पीछे वाला हिस्सा देखो। सही है, हेलमेट्स दिख रहे हैं मुझे मौसा जी की दुकान में, बड़े प्यारे प्यारे। वेट सो रखा है, अभी होता तो मज़ा आती। आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कुछ चीज़ खरीदूं मैं, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़ोरों से मन कर रहा है मेरा कि मैं कुछ चीज़ खरीदूं। मतलब कोई एक आइटम होना चाहिए। मेरी गाड़ी बेचारी लोनली खड़ी है वहाँ। बहुत ही दिक्कत दे रही है वैसे तो मेरी गाड़ी, अपने आप रेस बढ़ जा रही है, उसकी ब्रेक का सिस्टम हिला हुआ है, टायर फिसल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी सीट भी फटी हुई थी, बस मैंने उसमें ऊपर कवर लगाया है। बहुत ही जल्दी देखो मौसी मिल गई, मौसी अब मुझे ट्रीट दे रही है। पता नहीं किस 3 बज गए। मुझे उनको ये भी तो बताना है गाड़ी में दिक्कत क्या है। किसको बताना है? मैकेनिक को, जो ठीक करवाना है मुझे। भैया भैया मैं आपको बता देती हूँ, एक तो वो रेस अपने आप बढ़ रही है, और जैसे अगर खड़ी हुई गाड़ी तो अपने आप रेस बढ़ रही है, ब्रेक का देख लेना, और तेल बहुत पी रही है, बहुत तेल पी रही है। कितना आपको गाड़ी? कितनी? कल छोड़ देंगे तो आप? कल छोड़ू? फिलहाल चला लो आप, कल छोड़ देना सुबह के टाइम में। हाँ दोपहर तक हो ही जाएगी। और अभी कुछ भी ठीक नहीं होगा उसका? अभी टाइम लग जाएगा, कभी तो जाएगा आप छोड़ लोगे, आप छोड़ लोगे काम हो नहीं पाने का फायदा क्या, थोड़ा बहुत ही हो पाएगा ना काम। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी बता रहे हैं आप, तेल तो बहुत भयंकर तरीके से। 300 रुपए का तेल एक दिन में खत्म हो जा रहा है उसका।
कल ही आओ तो और अच्छा। कल किस टाइम छोड़ू? किस टाइम छोड़ो? सुबह टाइम छोड़ा, शाम तक बनी जाएगी। शाम तक ठीक है, ठीक है ठीक है। पहुँचती है तो पॉज नहीं, बोलो तुम बोल लो। कल के लिए बोल रहे? हाँ, इट विल टेक टाइम। सम सीरियस कन्वर्सेशन। गाड़ियाँ वाड़ी अभी रख दो यार, एक दो एडजस्ट करने एकदम। यहाँ पे वो है आगे शोरूम है गाड़ियों का, मेरा मन कर रहा है कोई गाड़ी खरीदने के लिए। कोई गाड़ी खरीदवा दो। अभी हम जा रहे हैं मिड टाउन कैफे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया है फॉर प्राइवेट रूम। वेट यार, उल्टा कैसे हो गया क्या? सर रूम I like this. I like privacy. तो गाइस ब्लेंडर हो गया, स्कूटी का सर्विस कराना था बट आज नहीं हो पाया, कल हो पाया क्योंकि बहुत टाइम लगेगा और मेरे पे सीरियसली इतना टाइम नहीं कि अपनी स्कूटी इतना लंबे समय तक छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे काम है। फूड इज माई प्रायोरिटी, हेल्थ कम्स सेकंड। अंडा होता है एग रोल में, क्या होगा मौसी? अंडा होगा नहीं तो कैसे होगा? ऑमलेट बना के देते हैं ना रोटी के अंदर, रोटी के अंदर ऑमलेट बना के उसको चॉप चॉप करके देते हैं। साग भुजी मतलब बेसिकली घर की सब्जी और अंडों का भुजिया तो नहीं होती पर अलग वो 100 रुपए का ऐसे होता है यार। अब यहाँ पे बैठी हूँ, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, सबका चार्ज एक साथ। एंड वी हैव अ प्राइवेट रूम, दैट मींस दिस डोर शुड बी शट। हाँ तो मैं बोल रही थी कि मुझे अपनी स्कूटी की सर्विस करवानी थी। मौसा जी बाहर क्यों नहीं आ रहे? तबियत तबियत थोड़ा रेस्ट करना। अभी खाना खाया मेरे सब बैंक जा रहे थे। वीकनेस क्योंकि खाने ही नहीं ना, और जो खा रहे हैं वो लेग्स टू बॉइल है तो उसको खाने की वैसे इच्छा नहीं कर रही, तो अब क्या बॉडी में वीकनेस 3 दिन हो गए। दिस हैपेंस व्हेन यू आर नॉट सो मच कंसर्नड अबाउट योर हेल्थ। हाँ ये तो हमारी उस मतलब उनकी खुद की गलती से जब धीरे धीरे होगा। कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, अभी एज ज़्यादा नहीं है। आई नीड वन कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, कोल्ड। हाँ जी, तो स्लाइट चेंज ऑफ प्लान्स गाइस। मम्मी का फ़ोन आया, वो भी यहाँ आ चुकी है, मेरे बिना नहीं रह पाती। तो वैसे मम्मी को यहाँ आने को बोलता, गलती से मौसी के यहाँ चले गए। कोई कोई गलती नहीं थी, इतनी देर बात करने के बाद भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आ रही है मम्मी। भाव तो पूरा कर दे यहाँ पे भी। मैं कोई भाव नहीं खाती, ऐसी होता ना जब हजार से दीज गाइस नो, ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई भाव नहीं खाती। पैसा आने लगते तो वैसे ही होता है कुछ भी। लोग केवल समोसा जलेबी खाने आते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि आप समोसा जलेबी। मैंने मेरी मम्मी को बोला था, मेरी मम्मी ने मुझे सच में नहीं बताया। मेरी मम्मी ने बोला कि मौसी ने फोन करके बुलाई कि कुछ खिला रखी है। मुझे लगा कि अब तो बेवकूफ़ बना रही मेरी मम्मी। तो कैसे मम्मी आ गई है और यहाँ धुआं धुआं हो गया खाना बनाने। मम्मी से ये आई महारानी, ये ऐसे ऐसे नीचे लो। देखो अब गाइस, मैंने ये व्लॉग शुरू किया था सोचा कि स्कूटी की सर्विस हो गई, लेकिन जो जिस चीज के लिए शुरू किया वो तो कुछ नहीं हो रहा है और जो सोचा ही नहीं वो सब हो रहा है। ये देखना था, कभी कभी आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो ये वो है। मस्त खाना खाएंगे, चर्चा करेंगे, अभी कॉमेडी होने वाली बहुत ज़्यादा। ठीक ही खाना होगा, अभी देखो शुरू हो गया। बहने हैं ना दोनों, हम अंदर वाले कमरे में मीन्स हम यहाँ आए हैं बाहर मिड टाउन कैफे में। हाँ मैंने तो आप तो वो सुनोगे जो आपका मन करेगा। टू सिस्टर्स वो वाला मीम तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कि जब मौसी का कॉल आता है तो वो एक घंटे से ऊपर तक चलता रहता है, तो वो सेम वही है। लेकिन इसमें ज़्यादा क्रिंज मौसी है, क्योंकि मौसी फ़ोन करती है और मौसी जब एक बार बोलती है तो चुप नहीं होती। मेरा ये सजेशन है मौसी को कि मौसी को अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना चाहिए, क्योंकि मौसी ठीक ठाक बोल लेती है लेकिन मौसी फिर चुप नहीं होती ना। मेरी मुझे लगता है कि मौसी एक ही ब्लॉग में
100 वीडियो का कंटेंट दे देगी आपको बात कर करके। यहाँ पे बहुत एक सीक्रेट और हेल्दी कन्वर्सेशन होते थे पैसों के बारे में। मनी मनी इज इम्पोर्टेंट गाइस। गाइस डोंट मेक नॉइज। हमें कलाल घाटी जा रही है चावल लेने, और मेरा ये सजेशन है कि कलाल घाटी तक जितना स्कूटी का पेट्रोल लग रहा है उन पैसों से आप दूसरे चावल का ले सकते हैं। अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें याद नहीं आया वो? नहीं, 21 को याद होना चाहिए। सुंदर कांड एग्जॉस्ट है वो, यही होता है पढ़ा लिखा कर। अरे कल वो बैंक में बस स्लिप भरो, इसका बन ₹88 मैंने स्लिप मैंने कहा दीदी मैंने कहा सब भूल गए तुम भर दो अपना नाम और अपना अकाउंट नंबर भरा। मैं कोई अनलिमिटेड है मैंने कहा दीदी आप भर लो बस। देख रहा हूँ मेरे प्राइवेट रूम लेने का वो क्योंकि खाका कुकू खाका फुल ऑन मस्तीबाजी। बट सीरियसली गाइस मुझे अपनी स्कूटी की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी था। 260 बार बता दो। सही में बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं थोड़ा सा भी ऐसे रेत वगैरह में चला दूँ ना ऐसे करके। रेत में क्या तो रेगिस्तान ये रोड अच्छी कहाँ है, चंडीगढ़ थोड़ी ना है ये। इतनी अच्छी तो है कि रेत नहीं है। नहीं नहीं हमारे घर के पूरे एक रोड में पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो गंदे से गंदा भी मेरे तारीफ करेगा मैं सिर्फ उस पर भरोसा करूँगी। मैंने ब्लॉग एडिट करके पोस्ट करना है। ब्लॉग पोस्ट करना है इट्स अ हेडेक। ओके एडिट भी करना है मुझे, आप समझ नहीं रहे हो मेरे को। अभी से ही हुआ है कि टाइटल क्या रखना है, हैशटैग क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है। इट्स अ टोटल गेम। मौसी जितना इजी लगता है ये इजी नहीं है। महीने का डांस ऑड है ऑड। बाय मम्मी मम्मी बाय मम्मी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई अपनी शॉप पे क्योंकि मुझे किसी का फ़ोन आया, तो इट्स एन इमरजेंसी केस तो मुझे आना पड़ा छोड़ के। इमरजेंसी केस ऐसे उनको अभी नेल्स चाहिए उनके, तो वैसे भी मेरी स्कूटी की सर्विस तो आज हो नहीं रही है। एंड आई थिंक इट वॉज गॉड्स प्लान कि आज मेरा स्कूटी ना बने बट काम बन जाए। तो मैं अभी हूँ यहाँ पे और साफ सफाई पूरी है और मैं वेट कर रही हूँ। और मैं अभी से ही महसूस कर रही हूँ कि मुझे मेरी बैक में कितना पेन हो रहा है। दुनिया में आपको इंसान छोड़ के जाएगा, कोई आपका पेट छोड़ के जाएगा, कोई भी आपका लव्ड वंस हो, अगर इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ के जाएंगे आपको एक साथ। लेकिन जो दर्द बैक पेन देता है ना, वो दर्द कोई कभी भी नहीं छूटने वाला है। मुझे समझ में नहीं आती है। ओह बाकी मेडिटेशन भी कर रहे थे, मैंने सुना है कि मेडिटेशन करो करो लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आई एम नॉट ढिंढोरा पीटिंग ऑफ मेडिटेशन, बस आप लोगों को पता ही है कि मेरे रूटीन में कुछ चेंज आ चुका है। इफ़ समबडी आस्क्ड आई वोंट से कि नहीं कर रही या नहीं बता रही, बट दैट समथिंग इज। तो आजकल मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा देख रही हूँ भगवान से रिलेटेड। तन क्यों खुद से मन सा कर रहा है, भजन सुन रही हूँ सुबह। ऑल तो मेरा फेवरेट भजन है वो श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। उसको सुन के तो मेरा मन ऐसा हो जाता है ना कि बस आज मैं किसी मंदिर में चल जाऊँ और वहाँ से घर ही ना हो। और मेरा कभी कभी मन करता है, मेरे सच में ऐसे ही मन करता है कभी कभी। मेरे भी नाखूनों की हालत वैसे बहुत गंदी हो रही है क्योंकि मैंने कब से मैं इस ताक में हूँ कि मैं अपने नेचुरल नेल्स ग्रो करूँ, नो मोर एक्सटेंशंस, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशंस करके भी नेल बेड बहुत वीक हो जाता है एंड विच आई डोंट लाइक, क्योंकि कभी कभी बर्तन धोने पड़ते हैं तो वो थोड़ा पतला पतला सा लगता है और साबुन के पानी में ऐसे मुड़ से जाते हैं, तो आई डोंट लाइक दैट। और ये मेरा रेस्ट बंद हो गया यहाँ पे, वेट
सी गाइस दिस हैपेंस जब आप कुछ चीज़ कांच की या जो इजीली टूट जाए वो ऑनलाइन मंगाते हैं। ये मैंने दिल्ली से मंगाया है, ये फ्रेम बनवा के, इसका फॉन्ट, इसका कलर, सब कुछ मेरे चॉइस का है, बट स्टिल ये जब डिलीवर हुआ तो ये टूट के आया। और जिससे मैंने बनवाया, मैं उनको भी मैं इस चीज़ का ब्लेम नहीं दे सकती क्योंकि ये गाड़ी में कांच की चीज़ ऑफकोर्स टूटेगी हल्की फुल्की भी। चाहे उन्होंने इनकी इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करी थी, बबल रैप देन बहुत सारे रैप्स के, तभी भी ये टूट गया। तो इसलिए मैंने ये दिल्ली से मंगाया क्योंकि मुझे कोटद्वार में कोई नियॉन साइन वाला नहीं मिला। इफ़ यू गाइज नो कि कोटद्वार में कोई नियॉन साइन बनाता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे सजेशन दीजिए कौन है वो, और या वो खुद देख रहे हैं ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए कि हमारे यहाँ से नियॉन साइन बनवा लो, क्योंकि मुझे और भी बनवाने हैं। एंड इसका एस कभी कभी ना अपने आप बंद हो जाता है तो उसको बहुत मतलब 15-20 मिनट तक एडजस्ट करना पड़ता है मुझे, और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे व्हाई डिड अदर गाइज मेक वेट पीपल, क्यों वेट कराते हैं गाइज, कोई मेरी समझ में नहीं आती। और मेरे को वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे चीज़ें पंचुअल अच्छी लगती हैं, चाहे मैं खुद करूँ या कोई और करे, या कोई भी चीज़ मुझसे रिलेटेड हो तो वो पंचुअल ही हो, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, क्या ये अच्छी आदत है वैसे, सब में होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कम लोगों में देखे मैंने यार चीज़ हो जिसमें एक सूदिंग सा म्यूज़िक मेरे कानों में मुझे सुनाई दे रहा हो। वेट ये मैसेजेस मेरे आज मैं सोच रही हूँ कि एक मैसेंजर गाय बन जाऊँ, क्रीप मैसेंजर गाय जैसे होते हैं, हेलो क्यूटी वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, यू नॉट रिप्लाई, यू मी फ्रेंड्स, यू बी फ्रेंड्स विद मी, नो हेलो क्यूटी वाई नॉट रिप्लाई, सो मच एटीट्यूड, आई ब्लॉक यू, अरे प्लीज ब्लॉक मी, आई डोंट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड भाई। अच्छा ये सब नहीं होता है, कुछ कुछ होता है ऐसे, सबके साथ नहीं है ऐसे, कुछ कुछ है ऐसे, तो कोई अफेंड मत हो जाना क्योंकि मैं सबकी किसी की ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, सबको बताइए सब कैसे हैं। सो किसी के ऊपर मैं टारगेट नहीं करके बोल रही हूँ, मैं बस ऐसे फनी वे में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। मतलब तुम सामने वाले से बात करना चाहते हो लेकिन तुम बात करने से पहले उसको जज कर लेते हो, मेरी समझ नहीं आता ऐसा क्यों करते हो भाई, पहले बात कर लो, जान लो। एक मीटअप में तो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होगा जो एक ही बार मिलके इंसान से ये बता देगा कि वो कैसा है। अगर आप मिले नहीं हो, आपने उनसे पहले कभी बात नहीं करी, आप चाहते हो कि आप सामने वाले से बात करो एज इन फ्रेंड्स भी आप चाह रहे हो तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐदा नहीं चल दे प्यार गाइस, ऐदा नहीं चलते प्यार। तो खैर अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, बेचारी मेरी वाहन, मेरी राम प्यारी, मेरी स्कूटी की भी सर्विस ना हुई, वो अलग दूध दे रहे हैं मुझे। और ये एस भी पीछा बंद हो गया मेल्स का, वाई मेल्स वाई, काम ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और अब 6:30 बजे फ्री हो गई हूँ मैं फाइनली। और हाँ एक मिनट, मैंने सोचा कि मैं अपनी नानी को देख आऊँ, मेरी नानी का पैर टूटा हुआ है, पता नहीं कैसे गिर गई शायद, चलो सॉरी फॉर द लाफ बट आई डोंट नो आई फाइंड इट फनी, डोंट नो व्हाई, लेट्स गो। इन केस सम गाइस इफ यू आर वंडरिंग कि नानी का घर, तो यस नानी अलग स्वैग में। नमस्ते नानी, हाउ इज योर पैर, नानी का पैर नेल पेंट लगी हुई है पर तब भी सूझा हुआ, कितने दिन हो गए आपके पास। तो आज के ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, लेकिन बने रहिए अगले ब्लॉग तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, बाय।